हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी मौत हुई तो कैसे हुई। एक चितेरा हीरो जो सबको जिंदगी जीने का जज्बा सिखा रहा था, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत कैसे हो गई। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब ये मामला एक पहेली बन चुका है। इस पहेली को सुलझाने का काम पुलिस पर है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस आपस में लड़ने में ही बिजी है। इस पूरे मामले में एक पुलिस अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने मौके को अवसर में बदलने में कोई कमी नहीं रखी। आज पंकज का पंच में बात इसी आईपीएस अधिकारी की। चौदह जून को जब से सुशांत के मौत की दिल चीर देने वाली खबर आई है, रोज नए सवाल उठ खड़े होते हैं, रोज नई बात सामने आ रही है। लेकिन सच क्या है, हकीकत सिर्फ सुशांत के खार वाले अपार्टमेंट की दीवारों को पता है। और दिक्कत देखिए, दीवारें बोलती नहीं हैं, राज खोलती नहीं। आखिर क्यों, कैसे, किस हालात में सुशांत हम सब से बिछड़ गया, ये हर कोई जानना चाहता है। और जवाब देने का जिम्मा, रहस्य से पर्दा उठाने का काम इन पर था, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह। लेकिन पिछले 2 महीने में परमवीर सिंह या मुंबई पुलिस के अधिकारी इस मामले को लेकर लगभग अंतर ध्यान ही रहे हैं। एक बार ढंग से प्रकट हुए भी तो झुंझला बैठे। अब मैं नहीं बोलूंगा टिकटॉक किसी से, मेरे से पूछना भी मत कोई, ऑलरेडी मेरे पीछे सब पढ़ने वाले, आपने इनसे कैसे बोल दिया। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं मुकेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कल पुलिस या हकीकत के बारे में या तहकीकात के बारे में जो भी कुछ लाइमलाइट थी, उसकी चकाचौंध में लगातार नहाते रहे हैं बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। डीजीपी बिहार, वो सबके सेवक, वो सबके भाई, वो सबके बेटा। मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने। देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं, हम अभी ये एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं हमें मौका दो, हीरो बनाएंगे, माला पहनाएंगे, जिंदाबाद करेंगे। पांडे जी भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं, लेकिन पिछले एक साल में वो जिस तरह से एक्टिव हैं, या फिर कह लें कि सुपर एक्टिव हैं, उससे लगता है उन्हें अपराध से ज्यादा कैमरे की नब्ज पकड़ना आता है। वो जानते हैं टीवी चैनलों पर अगर दिखना है, अखबारों में अगर छपना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। छपास की भूख को शांत करने की तरकीबें वो अच्छे से जानते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सटला तो गैला बेटा, यहाँ तो जमीन मिल ही नहीं रहा। मैं टेंशन में था कि रोज रोज आकर के माथा खा रहा है। 2 आदमी पहले से टेंशन में थे, और जैसे ही बोला मेरी बीबी को लौटाइएगा कि नहीं, तो मेरी पत्नी 4 गुना टेंशन में आ गई। सुशांत राजपूत केस में बिहार और महाराष्ट्र में राजनीति की जंग हो रही, और इसमें महाराष्ट्र पुलिस को निकम्मा ठहराने की मुहिम के चेहरा बन गए हैं गुप्तेश्वर पांडे। बिहार पुलिस के मुखिया पांडे जी शायद ये भूल गए हैं कि मुंबई में जो पुलिस जांच कर रही है, वो उन्हीं की वर्दीधारी बिरादरी के लोग हैं। वे शायद ये भी भूल गए हैं कि मुंबई में इस पुलिस के मुखिया उन्हीं की भारतीय पुलिस सेवा के हैं, जिसकी शपथ उन्होंने कभी सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में ली थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको नहीं देंगे ना, काम नहीं करने देंगे ना, आपको FSL रिपोर्ट नहीं देंगे, PM रिपोर्ट नहीं देंगे, आपको मेडिकल लीगल एविडेंस कुछ भी नहीं देंगे, आपसे कुछ हम शेयर ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, काम करना ही नहीं देंगे, अनुसंधान करना ही नहीं देंगे, और IPS अफसर भी भेजिएगा तो उसको वही हल करेंगे, क्वारंटीन कर देंगे। अब तो किसी और को भेजेंगे उसको भी क्वारंटीन कर लोगे आप, रात में मिडनाइट में जा करके ठप्पा लगा के कैदी की तरह बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। सुशांत मामले में गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से एक्टिव हैं, वो बिल्कुल फिल्मी है, और नजरों के सामने के सत्य से थोड़ी अलग कहानी की तरफ इशारा करती है। इमोशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इमोशन से पुलिसिंग नहीं होती। हमारे मेरे बेटे की तरह था वो, जानता हूँ मैं उसको, इमोशन से थोड़ा ही होता। दुख हमारे मुख्यमंत्री जी को कितना है, जिस दिन ये घटना हुई सबसे पहले मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने,
माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से शोक संवेदना लेकर के दुख है। पांडे जी का इस तरह प्रो एक्टिव होना वर्दी के फर्ज से आगे की मंशा की तरफ इशारा करता है। वो बताता है इस केस में उनकी निजी दिलचस्पी कितनी है। शायद यही वजह है कि पिछले 2 महीने में इस मामले को लेकर उनसे ज्यादा टीवी चैनल पर शायद ही कोई बोलता या देखा या फिर सुना गया। बार बार अपनी बेचारगी की दुहाई दे रहे थे। कुछ लोग इसे हमदर्दी बटोरने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना बोलते हैं। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया। क्वारंटीन जो किया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दे ही दिया है कि ये उचित नहीं है। सुशांत मामले में पांडे जी का चुलबुलापन गजब का है। टेलीविजन चैनलों पर एंकरों में आत्मीयता भरा संवाद करते हैं, तो कभी किसी फिल्मी अंदाज में देर रात एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एसपी की आगवानी करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मान गए पांडे जी, खबर बनने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं आप। सुशांत केस की जाँच करते हुए मैं जब भी गुप्तेश्वर पांडे को देखता हूँ, मुझे फिल्म दबंग याद आ जाती है। फिल्म के हीरो सलमान खान यानी चुलबुल पांडे भी याद आते हैं। कोशिशों का नतीजा चाहे जो भी हो, माहौल बनाना जरूरी है और साथ ही उसमें कुछ तमाशा भी। कमाल करते हैं पांडे जी। पांडे जी का वश चले तो शायद वो अपने हर काम को हुड़हुड़ दबंग वाले स्टाइल में ही करें, जिसमें थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा इमोशन हो और थोड़ा हीरोपन भी। और अंत में पांडे जी की जय जय। हमारी बात पर अगर आपको यकीन नहीं हो तो हम आपको कुछ वीडियो पहले दिखाना चाहेंगे, जिससे पांडे जी को समझने में आसानी होगी। बात करते हैं पांडे जी। जब चुलबुल कमाल करते हैं पांडे जी, ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर है जब पांडे जी कोरोना काल में लोगों को ईद उल जुहा के मौके पर कुछ कहना चाहते थे, एहतियात बरतने की अपील कर रहे थे, लेकिन यहाँ उनका अंदाज अलहदा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। कमाल करते हैं पांडे जी। पांडे जी जानते हैं किसी के दिल में उतरना है तो जुबां का रोल अहम होता है, इसीलिए कोरोना के लिए लोगों को आगाह करते हैं तो ठेठ देसी अंदाज में उतर जाते हैं। सटवा तक गैलो वाला छुआला पना, जिसे कहावत है गोबा, सटला तो गैला बेटा, सटहू के जरूरत नहीं के, 1 मीटर पहले ही से धर लेता हूँ, मास्क लगा के रखी, बाहर तो निकले के नहीं के, बहुत जरूरत होके निकले के तो मुंह पर मास्क लगा के परमिशन लेकर के। लेकिन बिहार में रियल की कहानी में रील का असर कहीं भी पैदा हो सकता है। मामला कुछ दिनों पहले गोपालगंज का, 15 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। डीजीपी साहब खुद मौके वारदात पर पहुंचे और फिल्मी अंदाज में पूछताछ शुरू कर। डूब के खुद मरा या लड़के को मार दिया गया, ये अलग जांच का विषय है। डीजीपी पांडे जी भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए जब उनकी पुलिस चोरी का मामला सुलझाती है तो वो उसका स्वागत भी अपने अंदाज में करते हैं, अपने हाथों से फूल बरसाते हैं। मान गए पांडे जी, चोरी जैसे मामले में ये स्वागत तो पता नहीं पांडे जी क्या करते। अगर विनय तिवारी एंड कंपनी सुशांत का केस सुलझा कर लौटते, तोरण द्वार बनता, शंखनाद होता, गाजे बाजे बजाए जाते और आसमान से फूलों की बारिश करवाते। गुप्तेश्वर पांडे की फिल्मी कहानी के पीछे की कहानी कुछ और है, जिसमें एक चाहत है, एक हसरत है और उसके पीछे पूरी प्लानिंग है। सच तो ये है कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसके लिए वो पिछले एक दशक से बहुत जतन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। अब वक्त रिटायरमेंट का आ गया है। अब अगर चर्चा नहीं होगी
तो फिर राजनीति में एंट्री कैसे होगी? लिहाजा चर्चा में आने और सरकार की नजरें इनायत करवाने के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं जिससे सरकार की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहे। मैं अकेला, मैं 2 बजे के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं सोता हूँ और 6 बजे के बाद कभी नहीं सोए मुझे मिलूंगा। मैं 4 घंटे बेड पर जाता हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ। रात में सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक कार्यालय में काम करता हूँ। खाना खाता हूँ, मैं फील्ड में निकल जाता हूँ, कभी ट्रेन से कभी गाड़ी से, और इसका बहुत लाभ हुआ है। सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के सामने इस तरह उन्हीं की तारीफ ड्यूटी नहीं चाटुकारिता कहलाई जाती है। नीतीश भी इस बात जानते हैं। जो पुलिस बल के यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं, डीजीपी साहब का भाषण हो गया, लेकिन जो भाषण दे रहे हैं मीडिया वाला आदमी बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है। काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देंगे। इस बार दुनिया जो भी कहे, वो सुशांत मामले में वो सरकार के भोंपू बन गए हैं। रिटायरमेंट सामने है और बिहार में चुनाव भी टारगेट में, दोनों का गठबंधन है। सुशांत मामले में उन्हें भी पता था कि वो तब तक अपने पंख नहीं फैला सकते जब तक सरकार चाहेगी। नीतीश बाबू का इशारा हुआ और पांडे जी ने अपने हसरतों की उड़ान भर ली। रिटायरमेंट सामने है और बिहार में चुनाव भी टारगेट में, दोनों का गठबंधन है। साल 2009 में वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन पांडे जी रुके नहीं हैं। सियासत में एंट्री की कोशिशें आज भी जारी हैं और इस बात को महाराष्ट्र के नेता भी समझने लगे हैं। कहते हैं, हमारी और आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है, नेता उससे आगे सोचते हैं। पांडे जी की सोच शायद जहाँ चल रही है, नेता बिरादरी के लोग उसे भांपने लगे हैं। क्या बिहार के डीजीपी को ये मालूम नहीं है, ये गलत है, ये कानून व्यवस्था में लागू नहीं होता और इसको पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने दे रहे हैं बिहार पुलिस को, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रश्न है, इसके बारे में जो नियम कानून है, ये उनको जानकारी है। पांडे जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही बात शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखकर जताई भी। राउत ने लिखा, गुप्तेश्वर पांडे खाकी वर्दी में जाकर समाचार चैनलों पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर ताव ताव से बोलते हैं और ये पुलिस अनुशासन का उल्लंघन है। राउत आगे लिखते हैं कि पांडे जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसीलिए 2009 में चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी। टिकट नहीं मिला तो पत्नी ने इन्हें मानसिक रूप से असंतुलित बताते हुए नौकरी में फिर से बहाल करने की अपील की और फिर नेताओं की मेहरबानी से ऐसा हो गया। संजय राउत ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी है कि गुप्तेश्वर पांडे आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू के टिकट पर शाहपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। गुप्तेश्वर पांडे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार में कानून और व्यवस्था की हालत खराब हुई है और अपराध ज्यादा हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पांडे जी के कार्यकाल के 16 महीने में अपराध उनसे पहले के 16 महीने के मुकाबले बढ़े हैं। पांडे जी अपने कार्यकाल में हर मामले में 20 है, चाहे वो कुल संख्या चोरी की हो या फिर हत्या या डकैती या लूट की। मतलब ये कि अपना काम संभालने में वे पहले के अधिकारियों से पीछे रहे हैं, लेकिन जब आलोचना करनी है तो फिर दूसरे राज्य की पुलिस पर वो नाइंसाफी करने का आरोप लगाते हैं। कमाल करते हैं पांडे जी, पहले अपना भूत और वर्तमान तो फिट कर लीजिए, भविष्य तो ठीक हो ही जाएगा, चाहे वो राजनीतिक ही क्यों ना हो। जिनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनके पुरखों के नाम पर दिल्ली में सड़क है, जिनके नाना भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हुआ करते थे, जिनका नाम कानून बनाने वालों की लिस्ट में है, जो हर बार जेल से रहकर ही चुनाव जीत लेते हैं, जिनके नाम के आगे बड़े बड़े डॉन पानी मांगते हैं, जिन्होंने यूपी पुलिस की नाक में दम कर रखा है, पंकज का पंच में आज बात उनकी। उनका नाम इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी चर्चा करना नहीं भूलते। यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, ऐसा क्यों भाई? जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल
गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए अंदर बैठकर के बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान कही थी साल 2017 में। इस बात को 3.5 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला है। बाहुबली मुख्तार अंसारी अब भी जेल में है। जेल से ही वे यूपी के कई इलाकों में राज चला रहे हैं। वे डराते हैं, धमकाते हैं, उठाते हैं, कभी उठवाते हैं। लेकिन अब वे यूपी से बहुत दूर पंजाब के जेल में हैं। मुख्तार के यूपी से पंजाब जेल जाने की कहानी भी जलेबी की तरह घुमावदार है। कहते हैं कि ये पूरा मामला सेटिंग का है। एक फोन कॉल से मुख्तार यूपी से निकलकर पंजाब पहुंच गए। आरोप है कि डॉन ऐसा ही चाहते थे। पंजाब के एक बिल्डर हैं उमंग जिंदल। उनका दावा है कि अंसारी ने उनके मोबाइल पर फोन कर 10 करोड़ रुपए मांगे, ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी वाला फोन मोबाइल नंबर 6390407709 से आया था। ये बात इसी साल 7 जनवरी की है। उमंग की शिकायत पर मुख्तार अंसारी पर मोहाली में मुकदमा हुआ। उस समय मुख्तार यूपी के बांदा जेल में बंद थी। सवाल तो पंजाब पुलिस पर भी उठ रहे हैं। केस होते ही प्रोडक्शन वारंट लेकर पंजाब से पुलिस टीम यूपी पहुंच गई, बिना ये जाने कि फोन मुख्तार ने किया था या फिर किसी और ने। मुख्तार की आवाज की जांच की जरूरत तक नहीं समझी गई। यूपी के लोकल कोर्ट से परमिशन तक नहीं ली गई। मुख्तार अंसारी की पंजाब जेल यात्रा से यूपी सरकार बहुत परेशान है। एसटीएफ भी उनके पंजाब जाने की वजह तलाश रही है। मुख्तार का अचानक से यूपी से पंजाब चले जाना किसी बड़े साजिश का हिस्सा तो नहीं है भाई? अब या तो स्टेट गवर्नमेंट कराए, अन्यथा जो है ये कोर्ट से ऑर्डर्स करा लेते हैं। मैंने देखा है ये केजीएमयू में महीनों महीनों इलाज चला करता है, तो कैसे चल रहा है ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। क्या बीमारी है? आँख का ट्रीटमेंट चल रहा है महीनों, तो ये तो सब जगह से अपना एक मिली भगत है। और मैं क्या कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ के एक बयान की बड़ी चर्चा होती रही है, जो वे कई बार कई तरह से कह चुके हैं। योगी की इस बात पर बड़ा विवाद होता रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए, कुछ बातें इशारों ही इशारों में समझी जाए। आप सोच रहे होंगे कि यूपी से पंजाब जेल जाने में मुख्तार अंसारी का क्या फायदा। फायदा तारीख का है। तारीख पर तारीख इसी फार्मूले पर मुख्तार अंसारी कोर्ट से छूटते और बचते रहे हैं। पूरी कहानी पिक्चर जैसी है। 10 साल पुराने डबल मर्डर के एक केस में मुख्तार अंसारी की गर्दन फंसने लगी। उनके खिलाफ कोर्ट में गवाह पहुंचने लगे। खतरे को मुख्तार पहले पहचान लेते हैं, इसीलिए बीमारी का बहाना बनाकर वे पंजाब जेल में ही रुक जाते हैं। इस समय मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में हैं और उनको हम लोग बुलाने की पूरी कोशिश किए, लेकिन हर बार मेडिकल आ जाता है। और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि वहाँ के CMO द्वारा एक पैनल तैयार किया जाए, जिससे इनकी जांच हो कि क्या इनको गंभीर बीमारियाँ जो इन्होंने एप्लीकेशन में लिखी हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि किडनी में इन्फेक्शन है और लीवर में प्रॉब्लम है और अन्य कई बीमारियाँ जैसे BP हाई हो जाता है, शुगर है, तो इन सब को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना करके कि इसकी जांच की जाए। उसकी भी रिपोर्ट आ गई है कि CMO ने लिखा है कि हाँ ऐसा है। 2009 में यूपी के मऊ में एक ठेकेदार की हत्या हो गई थी। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। साल भर बाद इस केस के गवाह और उसके सुरक्षा गार्ड का भी मर्डर हो गया। इस मामले में भी मुख्तार ही आरोपी बनाए गए।
अब ये केस प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार अंसारी कानून की आड़ में कानून से खिलवाड़ करते रहे हैं। देश में बड़े बड़े डॉन को सजा मिल गई, लेकिन मुख्तार का बाल बांका तक नहीं हुआ। कहते हैं कि मुख्तार के डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, और जिसने भी ये हिम्मत दिखाई वो जिंदा नहीं बचता है। मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा केस बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का है। ये बात अब से 15 साल पहले की है। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को राय ने चुनाव में हरा दिया था। अफजाल लगातार 5 बार के विधायक थे। इस हार से डॉन मुख्तार बौखला गए। उन्होंने सोचा नहीं था उनके ही गढ़ में कोई उनके भाई को हरा सकता है। 25 नवंबर 2005 को राय की हत्या हो गई। उनके काफिले को घेर कर AK-47 से 400 राउंड फायरिंग हुई। घटना के समय मुख्तार गाजीपुर जेल में बंद थे। उनके एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग यूपी पुलिस के पास है। मुख्तार फैजाबाद जेल में बंद अपने साथी अभय सिंह से बात कर रहे थे। पहले इस ऑडियो को सुनिए। बदमाशी किया है, सब छोड़ो, अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी और कृष्ण में। हाँ, ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्ण राय के गाँव पर, दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा जय श्री राम। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, धंधा करने वाली बात होगी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय चोटी रखा करते थे। इस ऑडियो क्लिप में मुख्तार कह रहे हैं कि राय की चोटी काट ली गई थी। इस घटना के 15 सालों बाद हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे लखनऊ में मुठभेड़ में मारा गया। उसी ने राय की चोटी काटी थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी स्पेशल कोर्ट से बरी हो गए। अब मामला हाईकोर्ट में है। क्या मजाल कि कोई मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दे दे। पिछले 15 सालों से वो जेल में है, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में अब भी उनका ही राज चलता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस से लेकर सरकार तक में उनकी सेटिंग है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई ठीक उसी तरीके से होती है जैसे किसी के कान में दर्द हो और दवा सरदर्द की दी जाती हो। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के नाम पर यूपी पुलिस बस लकीर पीट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। आप सवाल पूछेंगे तो यूपी पुलिस आंकड़े पेश कर देगी। जैसे पिछले 4 महीनों में मुख्तार गैंग के 96 लोग पकड़े गए, करीब 1007 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार के परिवार और उनसे जुड़े लोगों के हथियारों के 72 लाइसेंस रद्द किए गए, लेकिन असली काम में जीरो। बिहार में नीतीश कुमार के राज में शहाबुद्दीन, सूरज भान और मुन्ना शुक्ला जैसे नेताओं को सजा हो गई। अब ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। मतलब ऐसे बाहुबली नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म समझिए। अगर ये काम बिहार में हो सकता है तो फिर यूपी में क्यों नहीं? आखिर क्यों मुख्तार अंसारी बार बार जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं? डर की राजनीति से मुख्तार अंसारी अब वोट की राजनीति करते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी डॉन का गुणगान करती हैं। ऐसे लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी है। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है। कहते हैं कि सरकार के इकबाल के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में तो अंसारी ब्रदर्स की चलती है। मुख्तार 5 बार के विधायक, भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के सांसद हैं, एक भाई विधायक भी रह चुके हैं। अपराध से राजनीति और फिर सिस्टम पर राज, ये रक्त बीज हैं। आज एक, कल अनेक, ये चलता रहा है और शायद चलता भी रहे। चिंता इस बात की है कि कहीं ये भस्मासुर बनकर हमको और आपको भस्म न कर दें। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि नीति और नियत
ठीक हो। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार इसी समय यानी शाम 6 बजे आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए पंच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ABP News आपको रखे आगे।